ईयर भी फ्यूचर ईयर भी सब समझा दिया, फॉर्मल लगाया सृष्टि, वो बच्चे ये कह रहे कैसा है कैसा है, जब तुमको फॉर्मूला लिखवा दिया कॉपी में बेचने का धूप की तरह, तब उसका क्यों कैसे आया ऊपर जाकर फॉर्मूला याद करने में तुम्हारा निकलने तुम्हारे और लड़कियों, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, रोटी बनाना ठीक सीखो जल्दी जल्दी, या तो पढ़ लो या फिर जल्दी से शादी कर लो, टाइम खराब मत करो अपना। कैसे आया जैसे जिंदगी में एक ही सेंटेंस सीख के पैदा हुए, कैसे आया कैसे आया, फॉर्मूला रखा है सामने। या तो ढंग से पढ़ लो या बिल्कुल मत पढ़ो, बीच में मत रहो। या तो जो ढंग से पढ़ता वो कहीं जाके नौकरी ले लेगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता वो गुंडा नेता है ना विधायक अपना कोई काम शुरू कर लेगा, बिजनेस में चाय की टपरी खोल लेगा, वो भी करोड़पति लखपति वो भी जीवन में सक्सेसफुल रहेगा। बर्बाद तो वो है जो ना ठीक से पढ़े और ना एंजॉय कर पाए, वो बर्बाद है मीडियोकर आदमी। जैसे मिडिल क्लास आदमी हमारे देश में सबसे मिडिल क्लास अमीर आदमी मौज ले रहा है, लोअर क्लास है जो गरीब है, पांच बालक है, पांचों रिक्शा चला रहे हैं, पांचों साल 40,000 रुपए कमा के ला रहे हैं, घर में 2,00,000 रुपए महीने की इनकम है, लोअर क्लास के जिनको जो झोंपड़ी में रहते हैं, और जो मिडिल क्लास है 1,00,000 रुपए कमा रहा है, 5 लोग खाने वाले हैं उसके ऊपर, उनकी एवरेज इनकम कितनी है 20,000। सुनो तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दुखी होगा कि नहीं, लोअर क्लास है पांच बालक है पांचों काम कर रहे हैं, कोई आम का ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, वो हर आदमी 40-50,000 रुपए कमा रहा है महीने की, उनकी एवरेज इनकम 50,000 है। और जो मिडिल क्लास अपने आप को कहता है वो क्या कर रहा है, 1,00,000 रुपए एक आदमी कमा रहा है, उनके मम्मी पापा बेटी का 2 बालक 5 लोग उसके ऊपर, 1,00,000 के 5 से बात करो उनकी एवरेज इनकम कितनी है, 20,000 रुपए से नहीं। अमीर कौन है बताओ, वीडियो पर आदमी हमेशा बर्बाद रहेगा, पर दुखी रहेगा दुखी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पढ़ो, अगर सरकारी नौकरी की करनी है तो पढ़ो ढंग से, मत नहीं मास्टरों को अमीर करने की कोई जरूरत नहीं है, बैच खरीद खरीद के आगे चलिएगा।